आज देखिए हमने बनाए हैं ये पकौड़े और साथ ही बनाए हैं ये मीठे दही बड़े। असल में हमारी लाइट चली गई, शायद थोड़ा सा काला काला सा लग रहा हो आपको। थोड़ी सी मैं एडिटिंग में थोड़ी सी वो ज्यादा कर दूंगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही इजी वे के अंदर बने हुए हैं। आज हम दोनों आपको बनाने सिखाने वाली है प्यारी सी जबरदस्त सी रेसिपी आपके इफ्तार के जो दस्तरखान है उस पर सजाने के लिए। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपकी रेसिपी। चैनल लेजी टू ऑल इन वन, कैसे हैं आप लोग? आई होप के खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे, रमजान एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ असमा जोहे, बोल रही है भाई हमेशा से, ये हमेशा उल्टा ही बताते हैं, हमेशा आशीष से बता रहे हैं बाबा है। ये है जुहेब का शान। ये इंट्रो हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो अभी भी इन्होंने हमें ज्वाइन किया, बाकी पिछले तो प्रीवियस तो हमें जानते ही है कि हम असमा में असमा ही है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने स्पेशल रेसिपी जो रमजान की वन बनाई थी हमने, वो क्या क्या बनाई थी? क्रीमी फूड चाट बनाई थी हम लोगों ने, और बनाए थे मसाले वाले छोले, काले वाले छोले। तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो 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 मच। और अब आज 500 मच, हाँ 500 मच, 600 मच, 1000 मच, मगर मच। और आज हम बनाने जा रहे हैं क्विक सी इजी सी रेसिपीज, दोबारा से दो हैं। पहली है पकौड़े और कड़क बाजार वाले नहीं होते, प्याज और पालक के पकौड़े, प्याज पालक पकौड़ा पकौड़ा, ओके। और दूसरी है हमारे मीठे दही बड़े, जो कि खाना मीठा नाम है तो बस मीठे फेवरेट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कुछ भी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पहले हम बनाते हैं पकौड़ों का बैटर। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिया है 1 कप बेसन, और 1 कप बेसन के साथ इसमें जो चीज़ें डालेंगे वो है पालक जो है, ये कैसे बताऊँगी, 1 मुट्ठी की है बस, ठीक है, जिसको मैंने काट लिया। डंडियाँ होती है ना, वो 1 मुट्ठी की डंडियाँ हैं, उसकी पत्तियाँ काट ली हैं। हाँ, और ये है अनियन प्याज 1 से 1.5 जो है वो बड़ी मैंने साइज की ली है। साथ में यहाँ पे लिए 2 अदद हरी मिर्ची, ग्रीन चिली, ठीक है। इन तीनों चीजों को बाद में डालेंगे, पहले हम इसमें डालेंगे पिसी हुई हल्दी 1 चाय के चम्मच के बराबर, मिर्ची कम डालिएगा, बस बहुत ज्यादा कर दी यार, पिसी हुई लाल मिर्च जो कि बहुत ज्यादा कर दी इन्होंने, वैसी बहुत तेज है यार भाई, मैं चटपटी हूँ। साथ में नमक, बस कोरिएंडर सीड्स, साबुत धनिया क्रश करके डाल रही हूँ मैं हाथ से इसमें, और अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। तमाम ड्राई स्पाइसेस को, इसमें मैं मीठा सोडा नहीं डाल रही हूँ, मुझे वो फूले फूले से पकौड़े पसंद नहीं है, मुझे क्रिस्पी पकौड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हम मीठा सोडा इसमें नहीं डालने। अगर आपको ऐसे पसंद हो तो आप मीठा सोडा थोड़ा सा 1-1.5 चुटकी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें जा रहे हैं ये सारी की सारी सब्जियाँ। जी, और अब इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स और बना लेंगे इसका एक बैटर। बैटर जो है रेडी हो चुका है, थोड़ा ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने लिक्विड ही नहीं किया है इसको, और बस अब इसको हम ऑयल को प्री हीट करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसको फ्राई करना। फ्रेंड्स बैटर को जो है वो मिक्स करके मैंने 15-20 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया है, ताकि जो बेसन है उसमें सारे स्पाइसेस जो है अच्छे से सूख हो जाए। इतनी देर में हम क्या करने वाले हैं, अगर बाइक वाले हम तो वीडियो बनाते कभी तो आते हैं, इतनी देर में हम ये करने वाले हैं कि हम दही बड़े जो हैं उसके जो बड़े होते हैं और जो छोटे होते हैं उसको हम पानी में डालेंगे ताकि वो फूल जाएं, छोटे जो हैं वो बड़े हो जाएं, उसको हम जो है वो सोक करेंगे पानी में। पर सोक करने का प्रोसीजर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर सोक करने का प्रोसीजर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो जल्दी से देख लीजिए कि वो सोक किस तरह किए जाते हैं अच्छे से उसको राइस करने के लिए। चलिए खुलाने के लिए
मैंने जो है वो एक केतली में पानी ले लिया है, और पानी लेने के बाद जो है ये हमें इतना गर्म करना है इस पानी को, ज़्यादा नहीं, नीम कुनकुना गर्म जिसे बोलते हैं ना, जैसे हम जिस पानी से फरारे करते हैं, इतना गर्म होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जब उसके अंदर उंगली डालें तो वो ठहर जाए बस, ठीक है। आपके हाथों पर बहुत ज़्यादा वार्म ना लगे, ये इतना गर्म पानी होना चाहिए। और इस पानी के अंदर अब हम डाल देंगे, हमें डाल के सिर्फ हल्की सी फुलानी है, पकानी नहीं है, ये ऑलरेडी पकी हुई है। अगर आपका पानी बहुत ज्यादा गर्म हुआ ना तो ये फट जाएंगी, टूट जाएंगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी, और ये हमने इनमें डाल दी है, ये बनी, ये रेडीमेड है, बनी बनाई मिल जाती है मार्केट से, आराम से इजीली अवेलेबल होती है बस, ठीक है। ये एक पौधा ही के लिए मैंने इतनी ली है, और अब इसको हम सोक करके रख देंगे। नीचे आंच जो है वो नहीं जल रही है, आंच कर चुकी हूँ मैं बंद, और इसको सोक करने के बाद इस पे हम कुछ भी कवर कर देंगे ताकि कोई देख ना सके इसको, सही है। अब ये देखिए हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से हो चुका है प्री हीट, ये देखिए मेरा भी अच्छे से हो रहा है प्री हीट, ये देखिए हो चुका है, थोड़ा सा फ्लेम मैंने इसका स्लो किया है, ऊपर आना शुरू हो गए बेसन, फ्लोट होके बेसन ऊपर आ रहा है, और अब हम इसमें डालेंगे पकौड़ास। देखिए जैसे ये बता रही है ना, बिल्कुल आपने ऐसे ही डालने, फिर बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे भी डालें, बेटर ऐसे ही बनेगा। बहुत ही सिंपल और इजी वे है, और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। अभी इसमें मेरे पास जीरा कम था, आप लोग जीरा भी ऐड कर लीजिएगा तो और ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आएगा आपके पकौड़ों का। आप लोग को पता है कि हमारा हमेशा से राय के घर में रहती हुई जितनी भी हमारे पास चीज़ें होती हैं अवेलेबल, हम उसी से ही आप लोगों को खाना पकाना सिखाते हैं, स्पेशल ताम झाम के साथ नहीं। तेज बोलो, आपका ये वाला मसला भी हल कर देंगे, तेज बोलने वाले मसला। ओके इंशाल्लाह वो दिन भी जल्दी आएगा। और ये देखिए बस इसको मैं ज़रा फ्राई करूँगी, फ्राई करके निकालूंगी। आई नो के इतने तो सब वो हैं, मतलब माशाल्लाह से खवातीन, कि उन्हें पकौड़े तलने तो आते ही हैं, और तो कुछ होंगे मेरी तरह के तो पकौड़े तल लिए जाएं, तो फिर हम इसको डिश आउट करते हैं, और साथ में दही बड़ों के साथ क्या करना है वो भी आपको बताते हैं। फ्रेंड्स तो फाइनली हमारे पकौड़े हो चुके हैं रेडी, और देख लें आप कितने अच्छे बिल्कुल बाजार के पकौड़ों की तरह लग रहे हैं। इन्हें टिश्यू पेपर पे इन्हें टिश्यू पेपर पे इसलिए रखा है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो इसके अंदर से जो है वो टिश्यू पेपर सोक कर लेगा, तो ये आपके एकदम हाइजेनिक और हेल्दी पकौड़े तैयार हैं। चलिए दही बड़े स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हो ये क्वांटिटी में तो वही है, लेकिन क्वालिटी में डबल हो चुके हैं, और इसको हम हाथ से इसे प्रेस करेंगे बहुत ही लाइटली, ज्यादा नहीं प्रेस करेंगे, बहुत ही लाइटली कि जो एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ है ना वो निकल जाए, ठीक है। आप ऐसे करके भी कर सकते हो, बट देखिए कितना ऐसे हल्का सा पानी निकालना है, बेचारों का दम मत निकाल दीजिएगा, सांसें बाहर रखनी है नहीं तो मर जाएंगे, दही बड़े की जगह दम बड़े हो जाएंगे वो, और बिना दम बड़े, बिना दम के बड़े बिना दम के बड़े। चलें ये हमने निकाल लिए है एक पाव, और एक पाव दही के अंदर हमने शुगर इतनी ऐड कर ली जितनी हमें चाहिए इसकी क्वांटिटी को मीठा करने को, बस अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसको हमने इसी के अंदर ही अच्छे से शेक करके इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। ये ब्लेंडिंग इतनी अच्छी होती है और इतनी प्रॉपर होती है ना कि आप ऐसे विस्कर से या किसी भी चीज़ से ब्लेंड करोगे कभी भी आपका दही इतना अच्छा ब्लेंड नहीं होगा, बिल्कुल क्रीमी हो जाता है, बिल्कुल क्रीमी हो जाता है। और इसके अंदर मलाई शामिल नहीं है, ठीक है, ये विदाउट मलाई है। तो चलिए इसको मैं निकाल के अभी आपको इसका टेक्स्चर भी दिखाती हूँ। और ये देखिए ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही। आप दही में बड़े डालें या बड़ों में दही डालें, बनेंगे दही बड़े ही। अब आप ये मत बोलिएगा हम तो दही में वो ऊपर से बड़े ऐड करते हैं इन्होंने ऐसे कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, क्वांटिटी सही होनी चाहिए, ठीक है। इसको अब हम मिक्स कर देंगे जी। तो फ्रेंड्स ये आप देखें, इसको मैं दही का टेक्सचर आपको दिखाऊं, ये कितना क्रीमी हो रहा है, बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं है दही कहीं से भी ना, हमने वाटर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, ये सिर्फ प्योर दही है, प्योर दही, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी हमने शामिल नहीं किया। अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, जो कि दही बड़ों का ही होता है, और बस ये देखिए ऊपर से ये हमने डाल दिया है चाट मसाला। ये आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपको खाना पसंद हो आप उतना डालिएगा, और साथ ही ये इसके ऊपर जा रही है पापड़ी, बस बिल्कुल सिंपल वे में आप इस तरह से बना के जरा इसको टेस्ट करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना मजे के बनते हैं ये। और यहाँ पे ये हमारी दूसरी डिश भी हो चुकी है कम्प्लीट। तो फ्रेंड्स
ये थी आज की वीडियो। दोनों रेसिपीज हो चुकी हैं कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होंगी और आप लोग अपना प्यार अपनी जो है वो हमें वॉच करके और लाइक कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर कुछ सीखना चाहें हम हमेशा बोलते हैं कि प्लीज आप हमें बताइए ताकि हम वो आपको सिखा सकें। और देखिए पीछे मगरिब की अजान स्टार्ट हो गई तो मतलब इफ्तार के लिए हम लेट हो गए, तो बस अब जल्दी जल्दी आउट हो ही जाती है हमारी और शूट करते वक्त हो ही जाती है, बिकॉज सब कुछ प्लान करके करना पड़ता है इस वजह से। तो चलिए हम जल्दी से जाते हैं इससे पहले कि हमारा रोजा हो जाए मकबूल, हम जाके उसको जल्दी से बोलते हैं। और आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नहीं हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। हमारे फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।